भीलवाड़ा जिला कारागृह में बुधवार को प्रशासन और पुलिस के साथ ही जेल स्टाफ ने सघन चेकिंग की। 54 अधिकारियों व जवानों ने 55 मिनट तक जेल का चप्पा चप्पा छान मार, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु वहां नहीं मिली। इस दौरान जेल के प्रत्येक बंदियों की तलाशी भी ली गई, लेकिन किसी के पास भी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं जेल में सक्रिय आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन चेकिंग आदेश अनुसार पुलिस महानिदेशक व महानिदेशक जेल के जिला कारागृह के आकस्मिक चेकिंग के बाद बुधवार को यहां एडीएम सिटी व एएसपी मुख्यालय के निर्देशन में टीम ने दोपहर 1:15 बजे जिला जेल में प्रवेश किया। इनके साथ ही टीम में डीएसपी सिटी, कोतवाल, पुलिस के 35 जवान, जेल के 12 प्रहरी के साथ ही जेल अधीक्षक सिंह, 2 जेलर भी मौजूद थे। उधर जेल में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। आज एडीएम साहब सिटी मेरे द्वारा और जो सिटी की जो पुलिस टीम है उनके द्वारा भीलवाड़ा का जो जिला कारागृह है सिटी का एवं जो 5 सब जेल्स हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया। इसमें बंदियों से भी इनकी फ्रिस्किंग की गई, जो स्टाफ रहा उनसे भी इनको भी क्लियर जो सीएम साहब का मैसेज है कि किसी भी तरह की जो कोताही है ढिलाई है उसको अब माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी के दौरान जो संपूर्ण परिसर है अंदर से बाहर से सीसीटीवी कैमरास वगैरह जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उनका निरीक्षण किया गया और आगे भी इस तरीके की करते रहेंगे निरीक्षण। इसी के साथ आज व्यवस्थाएँ थी संतोषप्रद पाई गई और इसी के साथ जो अभियान है जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो जेल में रह के और हार्डकोर हो जाते हैं तथा उनके संपर्क सूत्र सुधर जाते हैं बढ़ जाते हैं उस पर जिला पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा एवं जो जेल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे। मैम कोई औचक निरीक्षण के दौरान कोई वस्तु मिलना है, कोई चीज़ मिलना है, मोबाइल ऐसा कुछ भी मिलना होगा? आज तो ऐसा इस प्रकार का कुछ भी नहीं पाया गया तो अच्छा रहा, संतोषप्रद रहा है और इसको बार बार करेंगे तो इस हिसाब से डर एक बैठना ज़रूरी है और काफ़ी क्लियर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जेल में किसी प्रकार का अनैतिक अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होंगी तो इस पर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी।